हमास ने जब 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था, तब हमास की मिसाइलों को रोकने का काम किया था इसराइल की सबसे ताकतवर ढाल आयरन डोम ने। हमास के ज्यादातर मिसाइल और रॉकेट्स को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया था। आयरन डोम ही वो हथियार है जिसके दम पर इसराइल किसी भी बाहरी हमले को रोक पाने में कामयाब हो पाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हूती और हिजबुल्ला ने इसराइल की इस ढाल का तोड़ निकाल लिया है। दरअसल 19 मार्च की आधी रात को करीब 2 बजे हूती की तरफ से दागी गई क्रूज मिसाइल इसराइल के इलट सेटलमेंट पर आकर गिरी थी, और खुद इसराइली न्यूज चैनल 13 के रिपोर्टर एमलॉग बोकर का कहना है कि ये बेहद ही गंभीर और महत्वपूर्ण गलती है कि एक क्रूज मिसाइल को इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाया। उसके बाद हिजबुल्ला के एक रॉकेट अटैक में भी आयरन डोम इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था, जिसके कारण आईडीएफ के 2 जवान घायल हुए थे। और अब लेबनान के हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने शनिवार दोपहर 2:20 पर इसराइली कफर ब्लम सैन्य अड्डे पर 2 आयरन डोम लॉन्चरों पर आत्मघाती ड्रोन दागे जो सीधे टारगेट पर जाकर लगे हैं। वहीं इसराइली मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कफर ब्लम पर ऑपरेशन से पहले सायरन सक्रिय नहीं थे, जिसके कारण क्षेत्र में आग लग गई, क्योंकि हिजबुल्ला द्वारा किए गए हमलों को रोकने का कोई तरीका ही नहीं था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, जो उसका रक्षा कवच कहलाता है। तो आपको बता दें कि आयरन डोम दुनिया का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके वार से कोई भी मिसाइल बच नहीं सकती है, या यूं कहें कि इसराइल के हथियारों के जखीरे में आयरन डोम सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है। आयरन डोम दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की लिस्ट में आता है। ये जमीन से हवा में कम दूरी की मारक क्षमता वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम रॉकेट, मोर्टार, गोला बारूद, ड्रोन को कम दूरी पर मारने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर तक है। इसमें 3 चीजें बेहद ही अहम है, पहली डिटेक्शन, ट्रैकिंग रेडार और बैटल मैनेजमेंट और हथियार नियंत्रण। इसका मिसाइल लॉन्चर 20 तामिर मिसाइलों से लैस होता है। जब कोई भी रॉकेट इसराइल की तरफ दागा जाता है तो आयरन डोम डिटेक्शन और ट्रैकिंग रेडार से आने वाले ऑब्जेक्ट के रास्ते का पता लगाता है, और इसकी हथियार नियंत्रण प्रणाली को जानकारी भेजता है जो रॉकेट के आने वाले रास्ते, स्पीड और संभावित टारगेट का पता लगाने के लिए तेज और जटिल गणना करता है। और यदि आने वाला रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके या रणनीतिक प्रतिष्ठान की ओर आता है तो आयरन डोम के लॉन्चर से तामिर मिसाइल फायर हो जाती है, और ये मिसाइलें हवा में ही रॉकेट को खत्म कर देती हैं। इसराइल के रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की मदद से इसे बनाया है। पहली बार आयरन डोम का इस्तेमाल साल 2011 में किया गया था। आयरन डोम को गाजा और लेबनान से दागे जाने वाले रॉकेट और तोप के गोलों को रोकने के लिए बनाया गया है। आयरन डोम हमला करने वाले रॉकेट को हवा में ही खत्म करने के मामले में 90% कारगर साबित हुआ है। आयरन डोम के इंटरसेप्टर को मोबाइल टावर या स्टैटिक लॉन्च साइट से दागा जाता है। ये इंटरसेप्टर हवा में ही आने वाले रॉकेट्स को खत्म कर देते हैं, जिससे धमाके की आवाज के साथ चेतावनी वाला सायरन भी बजता है। लेकिन अब हिजबुल्ला और हूती के द्वारा दागी गई मिसाइलें और ड्रोन अगर इजरायली जमीन पर गिर रहे हैं तो क्या ये कहना सही होगा कि मिडिल ईस्ट में जिस कवच के कारण इजरायल अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, अब उसका ये कवच हिजबुल्ला और हूती ने भेद दिया है।